नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के सब्जी मंडी के अंदर मूलभूत सुविधाएं ना मिलने से नाराज आढ़ती। पिछले कई सालों से पीने के पानी की सुविधा नहीं है और मंडी के अंदर बरसात के समय में कई कई फुट पानी भर जाता है, जिसके चलते सभी आढ़ती और दुकानदारों को परेशानी उठानी पड़ती है। मंडी के अंदर आढ़तियों की सब्जी की गाड़ी आने के लिए भी कोई कट की सुविधा नहीं है, जिसको लेकर वह कृष्णपाल गुर्जर को समस्याओं के बारे में बता चुके हैं। उसके बावजूद भी अभी तक इसे खोला नहीं गया है। उसी को लेकर आज आढ़तियों द्वारा इकट्ठे होकर नाराजगी जताई गई और सड़क से बैरिकेड को हटाने की मांग की गई। मंडी में जो मीटिंग की गई है वो इसको लेकर की गई है कि जो हमारा जो मेन कट है जीटी रोड का, जिससे हमारी एंट्री होती थी गाड़ियों की, यहाँ मंडी के अंदर लाखों आदमियों का आवागमन है, जो सरकार की तरफ से बंद कर दी गई है, जिसके लिए हमने कृष्णपाल गुर्जर अपने केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी हमने गुहार लगाई थी। वो मौके पर आए भी थे, यहाँ पर उन्होंने देखा भी है मौका। उन्होंने एक्शन को बुला के यही बोला है फिलहाल में कट खोला जाए और जो आगे की प्रक्रिया वो तुम जैसे भी तुम करोगे मैं उस पर साइन करके वो पुलिस का काम जब चलेगा चलता रहेगा। फिलहाल इनको एक कट दो यहाँ से। अभी तक कोई कट नहीं खुला मंत्री जी के कहने के बाद। मंडी में सारी परेशानी है, व्यापारी आ नहीं रहा, किसान आ नहीं रहा, माल बिक नहीं रहे, ग्राहक आ नहीं रहा, आर्थिक भुखमरी के कगार पर बैठे हैं, क्या करें बताओ। मंडी में अगर आप जैसे जेसीबी की तरफ आओगे 6 किलोमीटर से कट लगा के तब मंडी के अंदर एंट्री होनी पड़ती है। रिक्शे वालों को भी परेशानी होती है जी, यहाँ से जो भाड़ा था 50 रुपए का जो 4 गुना मांगते हैं, तो इसलिए कोई आता नहीं ग्राहक यहाँ पे। बरसात के पानियों में रेन वाटर की मैं बार बार इनको, अब जितने भी अधिकारी हमारे मंडी हाउस के बैठे हुए हैं सबको बार बार लिखित में कंप्लेंट कर रहा हूँ, भाई बरसात का मौसम है, बरसात आने वाली है, इन रेन वाटर की सप्लाइयों को ठीक कराया जाए। बड़े शर्म की बात तो ये है कि हमारी मंडी में 1997 से कटी हुई मंडी आज तक पीने का मीठा पानी नहीं है, और अब तो नमकीन भी नहीं है, कैसा भी पानी नहीं है पिछले 15-20 साल से, जिसके बारे में मैं कम से कम पिछले 5 साल से रेगुलर अफसरों को क्या नाम वो करा रहा हूँ, लिख लिख के एप्लीकेशन दे के बता बता के भाई इस तरह से ये है। यहाँ तक कि जब उनका जवाब नहीं आता तो RTI लगाता हूँ मैं, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई असर नहीं है, किसी तरह का भी कोई हल नहीं है। सरकार हमारी सुनी नहीं रही, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है। हम तो ऊपर अधिकारियों तक चक्कर काट रहे, चंडीगढ़ तक चक्कर काट रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुन के राजी नहीं है। यहाँ तो बैठे गूंगे मेरे अधिकारी बैठे हमारे बैठे, उनको सुनता ही नहीं, ना दिखता ना सुनता। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारी जो समस्या है उनको सुना जाए और हमें इनसे निजात दिलाई जाए। यहाँ तो कोई भी सुविधा के नाम पे तो बिल्कुल जीरो है। एक ये कट जीटी रोड पे कट बंद हो गया, ना तो यहाँ से कोई माल आ रहा और ना कोई जा रहा, ना कोई पैदल आदमी भी नहीं आ सकता। कोई भी गाड़ी आती है बस अड्डे से घूम के आती है वो आगे निकल जाती है। यहाँ तो बिल्कुल एक चालान काटते हैं वहाँ पर, मतलब यहाँ लगा लो जी बस अड्डे पे माल लेके जाते हैं जो खरीदते हैं वो रिक्शा वाले 200-200 रुपये मांगते हैं, तो इस चक्कर में यहाँ पे माल जो 10 रुपये किलो है वो 5 रुपये किलो बिक रहा है। जब व्यापारी का किसी का भी किसान का पड़ता नहीं लगेगा तो वो आगे मंडी में जाएगा। जब तक ये कट नहीं खुलेगा तो जब तक तो समस्या गंभीर है। कृष्णपाल हमारे केंद्रीय मंत्री जी आए थे, कृष्णपाल जी वो भी कह गए कि भाई कट खुल जाएगा, अभी तक तो खुला नहीं है जी। क्या कोई आश्वासन दिया था? आश्वासन ये दिया जी, अब कर रहे हैं हम कार्रवाई, खुलवा देंगे आपका कट। बरसात के मौसम में तो मंडी स्वानल लाए जी, यहाँ तो पानी भर जाता है घुटने घुटने, दुकानों के अंदर तक पानी घुस जाता है। हाँ तो कोई ना भाई जी, हाँ कोई नहीं, कंप्लेंट प्रधान जी सतपाल यादव जी ने खूब कंप्लेंट करते हैं, ये तो सारे दिन तो यही काम है और यहाँ कोई नहीं आता। तो हर बार पानी भरता है? हाँ दुकानों के अंदर तक घुस जाता है जी पानी। समस्या ये है मंडी बंदी है जी, जब पानी दुकानों के अंदर भरा रहेगा सब्जी जो आ रही है वो तैरेंगी तो थोड़ी देर आते हैं बैठ के चले जाते हैं घर पे, और क्या है। कुछ नहीं है जी मीठा पानी, यही है जी। पता तो जी सारी बहुत परेशानी है, सारी चीज की दिक्कत।